गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 8 परिमेय संख्या का हमारा चैप्टर चल रहा है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि शून्य और एक परिमेय संख्या क्यों है। इसके साथ साथ हम शून्य और एक के प्रगुण जानेंगे और सबसे लास्ट में हम परिमेय संख्या के योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए, आपका सारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि शून्य आपकी एक परिमेय संख्या होती है, एक ये आपको याद रखना है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से मतलब है हमारी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। जीरो भी एक पूर्णांक है तो जीरो भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो अगर हमारे शून्य है तो शून्य को आप इस तरह से लिख सकते हैं, शून्य बटे एक, यानी कि ये तो आपका हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी, परिमेय संख्या की परिभाषा थी जो संख्या P बटे Q के रूप में हो जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए, तो P तो जीरो हो सकता है, P जीरो हो सकता है, Q जीरो नहीं हो सकता, इसलिए शून्य हमारी एक परिमेय संख्या के रूप में होती है। ये भी आपको याद रखना है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे आप 1 लिख देंगे तो P बटे Q के रूप में आपकी लिखी जाएगी। और परिमेय संख्या की डेफिनेशन भी ये है, जो संख्या P और Q के रूप में हो जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और क्या है, P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक हो, P आपका 0 पूर्णांक है, Q 1 ये भी आपका पूर्णांक है, तो इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आते हैं शून्य के प्रगुण। शून्य के प्रगुण क्या क्या प्रगुण होते हैं, शून्य के प्रगुण, प्रगुण का मतलब नियम। नंबर पहला नियम है योग का तत्समक अवयव, योग का तत्समक अवयव क्या होता है, योग का तत्समक अवयव, किसी भी परिमेय संख्या में अगर जीरो को जोड़ा जाए, कोई भी परिमेय संख्या ले लो, किसी भी परिमेय संख्या में अगर शून्य को जोड़ा जाए, लिख लीजिए, किसी भी परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या या आप इसे पूर्णांक भी कह सकते हैं, पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, में शून्य को जोड़ने पर योगफल वही परिमेय संख्या या वही पूर्णांक, वही परिमेय संख्या या वही पूर्णांक प्राप्त होता है, इसे योग का तत्समक अवयव कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, योग का तत्समक अवयव। मान लीजिए आपकी कोई परिमेय संख्या है पी बटे क्यू आपकी परिमेय संख्या है, अगर आप उसमें जीरो को जोड़ दें, पी बटे क्यू में जीरो को जोड़ दें, तो उत्तर भी आपका पी बटे क्यू ही आएगा। ये आपका शून्य का पहला प्रगुण है। दूसरा प्रगुण है किसी परिमेय संख्या की शून्य से गुणा, किसी परिमेय संख्या की शून्य से गुणा। आपके पास कोई परिमेय संख्या है, उसकी अगर शून्य से गुणा कर दी जाए तो उत्तर शून्य ही आता है। किसी परिमेय संख्या की, किसी
परिमेय संख्या की शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है, यानी कि गुणनफल जो होगा वो आपका शून्य होगा। P बटे क्यू की अगर आप शून्य से गुणा करेंगे तो उत्तर आपका शून्य ही आएगा। P बटे क्यू की अगर शून्य से गुणा करेंगे तो उत्तर आपका शून्य ही आएगा। तो ये हमने बताया कि शून्य एक परिमेय संख्या है, मैंने बता दिया क्यों परिमेय संख्या है, उसके बाद शून्य के प्रगुण है, योग का तत्समक अवयव और किसी परिमेय संख्या की शून्य से गुणा। अब आते हैं एक एक परिमेय संख्या के रूप में। ये शून्यता एक परिमेय संख्या के रूप में, यानी कि जो एक होता है वो भी एक परिमेय संख्या होता है। कैसे? मान लीजिए आपने एक लिखा, एक बटे एक लिख दीजिए, ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। मैंने परिमेय संख्या की डेफिनेशन बताई थी, जो संख्या पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए, जहां क्यों बराबर नहीं है जीरो के, तो क्यों तो जीरो के बराबर नहीं है, तो एक को आप एक बटे एक के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी पूर्णांक हो, एक भी आपका पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है। दूसरी डेफिनेशन ये भी है, कोई भी पूर्णांक उसके नीचे वन लिख दीजिए तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो ये हुआ। अब आता है एक के प्रगुण। एक के प्रगुण, पहला प्रगुण है गुणा का तत्समक अवयव। गुणा का तत्समक अवयव, यानी कि किसी परिमेय संख्या की अगर एक से गुणा की जाए तो उत्तर वही परिमेय संख्या होता है। किसी परिमेय संख्या की एक से गुणा करने पर गुणनफल वही परिमेय संख्या होता है, यानी कि आपकी परिमेय संख्या पी अपॉन क्यू थी, आपने एक से गुणा की तो उत्तर उसका पी अपॉन क्यू ही आ गया। तो इसे कहते हैं गुणा का तत्समक अवयव। दूसरा है आपका, अब देखें, अब बात करेंगे परिमेय संख्या का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। किसे कहेंगे परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम? सबसे पहले लेंगे परिमेय संख्या का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। यह है आपका परिमेय संख्या का युगात्मक प्रतिलोम, यानी कि किसी परिमेय संख्या में किसी दूसरी ऐसी परिमेय संख्या की का जोड़ किया जाए जो उत्तर जीरो आ जाए, जो उत्तर क्या आ जाए हमारा जीरो, तो उसे उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या की ऋणात्मक परिमेय संख्या को उसका योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं, यानी कि दोनों परिमेय संख्या का टोटल कितना आना चाहिए आपका p अपॉन q
में अगर माइनस के पी अपॉन क्यू जोड़ दिया जाए तो उत्तर क्या आएगा आपका? जीरो। तो पी का ऋणात्मक व्यवहार प्रतिलोम क्या होगा? माइनस के पी अपॉन क्यू। एक उदाहरण लेके चलते हैं, एक बटे तीन का युगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? नफी का एक बटे तीन। इसी तरह से अगर कोई ऋणात्मक संख्या हो, मान लीजिए माइनस के तीन बटे सात का युगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस तीन बटे सात का ऋणात्मक, यानी कि माइनस माइनस तीन बटे सात। अब ये माइनस है, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जमा का तीन बटे सात, यानी माइनस तीन बटे सात का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जमा का तीन बटे सात। इसे कहते हैं परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। यानी कि अगर आपको किसी का परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसका चिन्ह बदल दीजिए। अगर आपको माइनस का है तो उसका जमा कर दीजिए, अगर जमा का है तो उसका माइनस कर दीजिए। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम, परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। आपके पास एक परिमेय संख्या है p बटे q, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? q बटे p, यानी उसका उल्टा, उसका उल्टा। किसी परिमेय संख्या, किसी परिमेय संख्या का की विपरीत परिमेय संख्या, विपरीत, विपरीत से मतलब उसकी उल्टी, विपरीत परिमेय संख्या। विपरीत से हमारा मतलब हो गया विपरीत, माइनस विपरीत चिन्ह नहीं है, विपरीत का मतलब है यानी कि q ऊपर आ जाए और p आपका नीचे आ जाए। किसी परिमेय संख्या की विपरीत परिमेय संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। अर्थात ये लिख लीजिए, अर्थात किसी परिमेय संख्या व उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल एक होता है, एक होता है। जैसे आपके एक संख्या है p बटे q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा q बटे p, यानी इसे उल्टा करके लिख देंगे, p बटे q का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? q बटे p। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास माइनस के p बटे q, या ये आ जाओ p बटे माइनस q है, तो इसका का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा इसका माइनस के q बटे p। इस तरह से इनके ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब परिमेय संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम की अगर गुणा की जाए तो उत्तर एक आता है, यानी गुणनफल एक आता है, यानी p बटे q का गुणात्मक प्रतिलोम होगा q बटे p, या p बटे माइनस q का गुणात्मक प्रतिलोम होगा माइनस q बटे p। इसी तरह से ये आपका योगात्मक प्रतिलोम होगा, ये मैंने आपको बताया। अगली एक्सरसाइज में हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालना, योगात्मक प्रतिलोम निकालना और शून्य और एक के प्रगुण के बारे में प्रश्न करेंगे। आपको सभी प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।